तो आज केमिस्ट्री और पीएड का वाइवा और प्रैक्टिकल था, तो केमिस्ट्री को पूरी तरीके से इग्नोर मारते हुए हम लोग पीएड की तरफ बढ़ते हैं। पीएड मेरा अच्छा गया, कह सकते हैं मेरी तरफ से अच्छा गया, पर आते मुंह में आ गई मेरी, इतनी पुशअप लगवा दी मैम ने स्क्रंचेस। पीएड का प्रैक्टिकल अच्छा गया मेरे हिसाब से, मैम अलग खुश थी क्योंकि हम जो करे ही कर देते हैं, हमको लगता है भाई पता नहीं इसके नंबर मिले ना मिले, हो सकता है जो करे ही करके खुश कर दें तो नंबर मिल जाए। देखो अलग अलग माइंडसेट है सबका। भाई तुम लोग ये बताओ, तुम लोग रोज कैसे स्कूल जाते हो? रोज स्कूल जाओ तो जाओ, फिर रिलेशनशिप कैसे चला लेते हो? हम 2 दिन स्कूल गए हैं, हम घर आके कुत्ते की तरह सो रहे हैं, और ऐसा सो रहे हैं ऐसा लग रहा है नशा करके आए। मेरी मम्मी को मेरे ऊपर शक हो रहा होगा, मुझसे पूछो। ये एनर्जी आती कहाँ है? ये जवानी का जोश है? क्योंकि भाई ये जवानी का जोश तो नहीं है, क्योंकि जवानी का जोश मेरे अंदर भी होता है, मेरे अंदर तो नहीं है भाई। हम तो 2 दिन स्कूल चले गए, मेरी बात मेरे घर वालों से होनी बंद हो गई है, इतनी थकान हो गई है मुझे आजकल भाई। मतलब जिनका स्कूल में चल रहा है वो तो फिर भी चलो एक्सेप्टेबल है, पर ये जो बाहर से एफर्ट्स डाल के चला रहे हैं रिलेशनशिप, ये ऐसे प्यार मोहब्बत के किस्से, ये मेरे जीवन में ऐसा प्यार भगवान करे कभी ना आए भाई। मैं तो ये सब कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे से हो ही नहीं पाएगा ये सब, मैं बता रहा हूँ ना, मुझसे हो ही नहीं, मैं चाहते हुए नहीं हो पाएगा, मुझे अपना सच्चा प्यार ठुकराना पड़ेगा अपनी नींद के लिए। कितने एफर्ट्स नहीं डाले जाएंगे भैया, ये कहाँ से आ रहे हैं इतने सच्चे आशिक। तो हमारा नया नया फोर्ट एकदम पेंट हुआ है, गजब सा, बच्चे जा रहे बेशर्म की तरह जा रही है, ये नहीं हट जाए वीडियो बनना है तो। काजल कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मुझे भी बहुत सुंदर लगा।